Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a chapter of 6th standard, that is Anakrakatoa. Let's begin. Krakatoa is an island in the Sunda Strait between Java and Sumatra in Indonesia. Indonesia mein island is kaname Krakatoa. It is known for its volcano which erupts regularly. वॉल्केनो मीन्स आपने कभी देखा होगा, उसमें क्या होता है, जैसे आग एक तरीके से मेल्टेड हीट कम्स आउट और उसमें से लावा आता है, बहुत सी चीज़ें आती है आपका, इसका जो कवर पेज है उसमें भी देखा होगा आपने, तो वो वॉल्केनो होता है जो रेगुलरली इरप्ट होता है वहाँ से. वॉट इज़ अ वॉल्केनो, वॉल्केनो होता क्या है, लेट अस सी नाउ. वॉल्केनो इज़ अ क्रैक और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसमें एक ओपनिंग या एक क्रैक होती है. देर इज़ हॉट मोल्टन रॉक नियर द अर्थ सेंटर. अर्थ का जो सेंटर होता है वहाँ से क्या होता है, एक रॉक होता है जो मेल्ट होता है, वो एकदम हॉट होता है. मोल्टन मीन्स होता है लिक्विड स्टेट होती है उसकी हीट की. समटाइम्स इट राइजेस थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू सच अ क्रैक और ओपनिंग एंड फ्लोज आउट. कई बार ऐसा होता है कि वो अर्थ के सरफेस तक आता है और वो उस क्रैक या ओपनिंग से बाहर निकलता है. When this happens, we say that the volcano has erupted. और जब ये process होता है उस टाइम ऐसा लगता है जैसे volcano erupt हो रहा है. A volcanic eruption happens on a tremendous scale. और एक बहुत ही बड़ी स्केल पर होता है ये. Thick dark clouds of smoke rise from the opening and spread in the sky. एकदम thick और ऐसा लगता है एकदम जो clouds है वो dark color के होते हैं, smoke के होते हैं वो, और उस कारण से मीन्स वो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही thick हो रहे हैं. Rise high from the opening, जो opening होता है जिसको open point होता है जहाँ से वो crack open होता है वहाँ से वो ऊपर की तरफ rise होता है और पूरे sky में फैल जाता है. Big glowing burning chunks of rock and red hot lava are thrown out of the crack in the earth. एकदम बड़ा सा glow करने वाला जला हुआ chunks में टुकड़े होते हैं rock के पत्थरों के जो उस red hot lava में से बाहर आते हैं उस crack में से. Very hot mud and ash are also thrown out. कई एकदम hot mud, एकदम hot होती है और ash में से आप कह सकते हैं जो उसके जैसे आपने कभी देखा होगा जैसे अगर कागज़ जलता है तो उसके जो एकदम ब्लैक हो जाता है उसको हम ash कहते हैं, तो उस टाइप के कई सारे ash होते हैं जो बाहर निकलते हैं. A great volcanic eruption can change the landforms in an area. Landform means अलग अलग तरह जो land होती है उसके forms को भी कई तरीके से चेंजेस आ जाते हैं वोल्केनिक एरप्शन के कारण. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट इज क्रकाटोआ, क्रकाटोआ होता क्या है. आगे बढ़ते हैं. वोल्केनोज आर पॉपुलरली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट इज एक्टिव वोल्केनो. एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं, एक्टिव वोल्केनोज इरप्ट रेगुलरली, जो रेगुलर बेसिस पे इरप्ट होते हैं बाहर आते हैं. डॉर्मेंट वोल्केनोज, डॉर्मेंट मीन्स टेम्पररीली इनएक्टिव और इन अ डीप स्लीप मीन्स थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव रहते हैं, थोड़े टाइम के लिए एक्टिव रहते हैं. वी फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इरप्शन ऑफ दीज वोल्केनोज इन हिस्ट्री बट नाउ दे आर क्वाइट. ऐसे वोल्केनोज को आप हिस्ट्री में मीन्स जो पुराने इसमें आपको मिल जाएंगे, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट अभी ये नहीं होते, अभी ये क्वाइट है. एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज क्या होता है, Geographers can guess by looking at the rock formation that they used to erupt long ago. Means geographers जो होते हैं वो उनकी rock formation को देखकर ही कह सकते हैं कि बहुत बहुत पुराने time पर आए थे, but there is no record of it in history. लेकिन उसका history में कोई record नहीं है. An extinct volcano is unlikely to erupt again. और ऐसा लगता है कि वो शायद वापस नहीं होगा. Krakatoa is an active volcano, जो regularly होता है. So your next question comes over here. How many types of volcanoes are there? Name them. It has erupted many times, causing great disasters. जब भी वो आते हैं तो एक बहुत ही महान means great disaster होता है, उससे काफ़ी तबाही होती है. The worst of the eruptions took place in August 1883. 1883 में अगस्त में सबसे भयंकर worst eruption हुआ था. The volcano erupted with such loud boom that it was heard more than 3500 kilometers away in Australia. और जो volcano जब हुआ था तब इतनी ज़ोर से उसकी आवाज़ हुई थी कि वो 3500 kilometers तक ऑस्ट्रेलिया में सुनाई दिया था, उससे ज़्यादा. It is believed to be the loudest sound that man has ever heard. और ऐसा माना जाता है कि वो सबसे बड़ा मीन सबसे ऊँची आवाज़ थी जो आज तक कभी इंसान ने सुनी होगी.
द आइलैंड विच वॉज अ वोल्केनिक माउंटेन कोलैप्स्ड ऑन इटसेल्फ. एक आइलैंड था जो वोल्केनिक माउंटेन था, वो अपने आप में पूरा उससे ढक गया, पूरी तरह उस तरह से नष्ट हो गया, कोलैप्स हो गया. द डस्ट दैट वॉज थ्रोन अप इन द एरप्शन रोज टू अबाउट 80 किलोमीटर्स इन द स्काई. और जो डस्ट उससे निकली थी वो 80 किलोमीटर्स तक गई थी स्काई में. इट स्प्रेड इन द स्काई अराउंड द वर्ल्ड. और पूरे वर्ल्ड में वो हर जगह स्प्रेड हो गई थी स्काई में. एंड लेटर सेटल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे. और हज़ारों किलोमीटर दूर तक जा जाके वो अलग अलग पार्ट्स में सेटल हुई, वो जो आप कह सकते हैं डस्ट थी. द एरप्शन कॉज्ड जायंट वेव्स एंड और सुनामीज इन द सी नियर द आइलैंड. और इस एरप्शन के कारण जायंट वेव्स, बहुत ही बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, या फिर इवन सुनामी भी आ सकती है आइलैंड के पास में जो सी होता है उसमें. सो योर थर्ड क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, इन व्हिच ईयर डिड द वर्स्ट ऑफ द एरप्शंस टेक प्लेस. सबसे बुरा एरप्शन कौन से साल में हुआ. व्हाट वाज वर्स्ट इन दैट. उसमें बुरा क्या था, हुआ क्या था उस टाइम, दैट यू हैव टू टेल. आगे बढ़ते हैं. अबाउट 165 विलेजेस एंड टाउन्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एरप्शन एंड सुनामीज. और 165 टाउन्स विलेजेस डिस्ट्रॉय हो गए थे उस एरप्शन के कारण, और जो सुनामी उस एरप्शन के कारण हुई थी उससे. द एरप्शन डिस्ट्रॉयड 2/3 ऑफ द आइलैंड्स ऑफ क्रकोटोआ. तो क्रकोटोआ के एटलीस्ट 2/3 एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था उस एरप्शन ने. आप देख सकते हैं पिक्चर किस तरह से वो स्मोक बाहर आता है, उसके साथ में कई ऐसी चीज़ें आती है, हीट, एकदम पिघला देने वाला लावा बाहर आता है, कई चीज़ें बाहर आती है. इट कोलैप्स्ड बिटवीन द सरफेस ऑफ द सी क्रिएटिंग ए ह्यूज अंडर वाटर वोल्केनिक क्रेटर और होल. और ये जिस तरह से कोलैप्स हुआ था सरफेस ऑफ द सी में, मीन्स जो सी के सरफेस में, उससे क्या होता था, अंडर वाटर मीन्स पानी के अंदर एक होल क्रिएट हो गया था. द होल वॉज मोर देन 6 किलोमीटर वाइड. और 6 किलोमीटर वाइड से भी ज़्यादा था वो, 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा वाइड था. Then in 1927, a plum of smoke rose out of the water on the crater. और 1927 में प्लम मीन्स आप कह सकते हैं एक लॉन्ग क्लाउड, जैसे आपको क्लाउड दिख रहा है तो उस टाइप का क्लाउड एकदम पानी में से बाहर आया था. मीन्स क्लाउड इन द सेंस, देखिए वो क्लाउड एयर का नहीं था लेकिन पानी का, एकदम एक ऐसा एकदम पानी ऊपर रोज हुआ था, राइज हुआ था, और वो होल में से हुआ था. इट वॉज फॉलोड बाय अनदर एरप्शन. और उस कारण से दूसरा एरप्शन फिर हो गया, मीन्स वापस से एक और वोल्केनो हो गया. और फ्यू डेज लेटर न्यू आइलैंड वोल्केनो ब्रोक वाटर. और कुछ दिन बाद जो न्यू आइलैंड था वो वोल्केनो ब्रोक वाटर, मीन्स वहाँ से पानी बाहर आया. हाउ डिड इट हैपन. अब ये हुआ कैसे, वोल्केनो में से पानी कैसे बाहर आया. वेन द अंडर वाटर वोल्केनो थ्रू अप एशेज एंड रॉक. जब पानी के अंदर वो जो वोल्केनो था, जिसके कारण वो एक छोटा सा होल था, क्रेटर था, जिससे वोल्केनो इरप्ट हुआ था, उसमें ऐश और रॉक बाहर आए थे. इट वॉज क्वाइटली टेकन अवे बाय द सी वाटर. और वो जो भी चीज़ें बाहर आई थी वो सब सी वाटर के थ्रू ले ली गई थी. बट देन द लावा स्टार्टेड फ्लोइंग आउट. लेकिन जैसी लावा मीन्स एकदम गर्म गर्म होती है, हीट होती है, पिघलावा होता है हर चीज़ एकदम लाल कलर का. तो जब वो बाहर आया था ऑफ द क्रेटर फास्टर, दिस वॉल्केनो मटेरियल वॉज नॉट टेकन अवे बाय द वेव्स. लेकिन ये गर्म गर्म मटेरियल जो था, एकदम हॉट मटेरियल, वो वेव्स के थ्रू नहीं लिया गया था. एंड न्यू माउंटेन बिगेन टू ग्रो. और उस कारण वो सब एक जगह इकट्ठा हो गया और उससे एक न्यू माउंटेन बन गया. इट केप्ट ग्रोइंग एंड वॉज सोन सीन अबाउट द वाटर लेवल. और जब वो बाहर आता गया तो वो धीरे धीरे बढ़ता गया, और उसके कारण क्या हुआ, बहुत जल्दी पानी के ऊपर वो एक तरीके से वॉल्केनो टाइप, एक माउंटेन टाइप दिखने लगा. जब वो माउंटेन दिखा तो ऐसा लगा जैसे कि वो आइलैंड वॉल्केनो है जो पानी में से बाहर आ रहा था. Thus a new island grew from the old island of Krakatoa. Krakatoa के पुराने आइलैंड से एक न्यू आइलैंड हो गया. It was named Anak Krakatoa. उसका नाम था Anak Krakatoa or the child of Krakatoa. Anak Krakatoa is still an active volcano. अभी भी वो active volcano है. Eruptions have begun again since 1994. 1994 से फिर से eruptions होने लगे. It lies quiet for a few days and then again there are eruptions. कुछ दिन के लिए वो फिर शांत होता है, फिर वापस eruptions होने स्टार्ट हो जाते हैं. With more lava flowing out, the island is still growing bigger. और जैसे जैसे लावा बाहर आता है वैसे वैसे आइलैंड बड़ा होता जाता है. Since 1950, the island has grown at an average rate of 5 inches per week. उसका एक एवरेज रेट हो गया 1950 से 5 inches per week वो ग्रो करता है. A part of the old island known as Rakat
इज स्टिल विजिबल इन द सी, और जो पुराना आइलैंड है उसका एक पार्ट है, रकत नाम बोलते हैं उसको, वो अभी भी सी में दिखता है। अ लिटिल अवे फ्रॉम द न्यू अराइवल अनाक्रकाटोआ, थोड़ा सा दूर है अनाक्रकाटोआ से। After Krakatoa's eruption in 1883, all the surrounding islands and coast were covered with hot ash. Krakatoa जब 1883 में हुआ, उसके बाद जो आइलैंड का आसपास का एरिया था, सराउंडिंग थी, वो पूरी तरह मीन्स आइलैंड और कोस्ट की जो सराउंडिंग थी वो हॉट ऐश से कवर थी। नो लाइफ रिमेन्ड, कोई लाइफ नहीं थी वहाँ पे। When a scientist visited in 1884, he found just one spider there. और जब एक साइंटिस्ट 1884 में वहाँ गया था तो उनको सिर्फ एक स्पाइडर मिली थी वहाँ पे। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट वाज द नेम ऑफ न्यू आइलैंड व्हिच ग्रू फ्रॉम द ओल्ड आइलैंड ऑफ क्रकाटोआ। जो पुराना आइलैंड था क्रकाटोआ का, उसमें से जो न्यू आइलैंड आया उसका नेम क्या था। But the living world of Rakat was not lost and gone forever. लेकिन रकत का जो लिविंग वर्ल्ड था वो पूरी तरह गुमशुदा या लॉस्ट नहीं हो गया था, गुम नहीं हो गया था और ना ही पूरी तरह से गया था। The wind and the sea brought seeds of plant to the islands. विंड और सी के कारण मीन्स जैसे जैसे हवा चली, कई बार समुद्र से कुछ कुछ बीज आ गए थे प्लांट्स के आइलैंड पे। सम सीड्स केम द बर्ड्स हु फ्लू ओवर द आइलैंड, सॉरी सम सीड्स केम विद द बर्ड्स, दैट मीन्स दैन बर्ड्स के साथ भी कुछ कुछ सीड्स उड़ के आ गए थे। दैट मीन्स बर्ड्स क्या करती, कुछ सीड्स अपने बीक में रखती और आयरन पे ले आती। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द सी केम टू द कोस्ट अगेन, और इसी तरह से प्लांट्स और जो एनिमल्स सी में रहते थे वो उस कोस्ट पर आने लगे। Small land animals like ants, termites or even rats and lizards travel to the island on plants floating in the sea. Small land animals जैसे ant, termites means एक छोटा soft body होती है, ऐसा insect होता है वो, और यहाँ तक कि rats और lizards भी उस island पर आने लगे। One edge of the island was soon teeming with plants and animals, और बहुत जल्दी एक ऐसा edge था या corner था island का जो पूरी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स से भर गया था। इट वॉज लाइक लेबोरेटरी वेयर साइंटिस्ट कैन सी हाउ लिविंग थिंग्स स्लोली डेवलप इन एन एरिया, और वो एक लेबोरेटरी की तरह था जहाँ पर साइंटिस्ट ये देख सकते थे कि किस तरह से धीरे धीरे कोई एरिया डेवलप होता है। साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व दिस पार्ट इन अ पार्ट दिस ऑल्सो इन अ पार्ट ऑफ अनाक्रकाटोआ विच डज नॉट गेट कवर्ड विद वोल्केनिक ऐश, और आज साइंटिस्ट इस पार्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं अनाक्रकाटोआ का जो वोल्केनिक ऐश से कवर नहीं होता है। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जावा वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाय क्रकाटोआज इरप्शन, जो वेस्टर्न कोस्ट था जावा का वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हुआ था इस इरप्शन से, इस वोल्केनो से। वेरी फ्यू ह्यूमन बींग्स वर लेफ्ट देयर, बहुत कम ह्यूमन बींग्स वहाँ पर बचे थे। बट द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दैट एरिया ग्रू इन नंबर अगेन, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स थे वो वापस से वहाँ पर ग्रो होने लग गए, उनका फिर से डेवलपमेंट होने लग गया। इनफैक्ट द वाइल्ड लाइफ ग्रू नेचुरली सिंस देयर वर नो ह्यूमन बींग्स टू इंटरफेयर विद इट, देयर वॉज नो वन देयर टू कट द ट्रीज और किल द एनिमल्स। और यहाँ तक कि इवन ये हुआ कि वाइल्ड लाइफ नेचुरली बढ़ने लगी क्योंकि ह्यूमन बींग्स वहाँ पर नहीं थे किसी भी तरह का इंटरफेयर करने के लिए, ना कोई वहाँ पर ऐसा पर्सन था जो ट्रीज को कट करता या एनिमल्स को किल करता। सो दिस रीजन बिकेम रिच इन वाइल्ड लाइफ, और इस कारण से ये रीजन वाइल्ड लाइफ में काफ़ी हद तक अच्छा हो गया, डेवलप हो गया। तो आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।